हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अरबी के पत्ते की सब्जी, और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसका फ्लेवर एकदम मछली की तरह आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ अरबी के पत्ते ले लिए हैं, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। फ्रेश अरबी के पत्ते लें, इससे ज़्यादा अच्छे आपके पकौड़े बनेंगे। तो ये जो पीछे वाला डंडल है, जो मोटा पार्ट है, इसे हम नाइफ की मदद से कट करके इस तरह से निकाल देंगे। इसी तरह से सारा कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे पत्ती के डंठल को कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें हम पत्ती को रोल करने के लिए मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 6 बड़ा टेबल स्पून बेसन लिया है। साथ ही इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें अदरक लहसुन और मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है, इसे हम बेसन में डाल देंगे। साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। हमें इसका गाढ़ा ही बैटर तैयार करना है, क्योंकि जब हम इसे पत्ते पे लगाएंगे, अगर पतला बैटर रहेगा तो पत्ता हमारा अच्छे से चिपकेगा नहीं, जिससे जब हम इसे फ्राई करेंगे तो वो खुल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए, हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है। हमें इससे न इसे पतला रखना है और न ही इससे ज़्यादा इसे गाढ़ा। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक थाली लिया है, थाली या प्लेट आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम अरबी के पत्ते को उल्टा करके रख देंगे, और जो हमने बेसन का बैटर बनाया था उसे हम इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं लगाना इसमें, नहीं तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। और जो साइड में पत्ती है उसे भी फोल्ड करके और उसके ऊपर भी अच्छे से बेसन से कोट कर देंगे। पूरे पत्ते पे बेसन लगाना जरूरी है, नहीं तो ये अच्छे से चिपकेगा नहीं। इसके ऊपर दूसरी पत्ती भी रखेंगे। पत्ती हमारी बड़ी है इसलिए मैंने इसे तोड़ लिया है। इसके ऊपर भी बेसन लगाते जाएंगे। तो मैंने लगभग 5 से 6 पत्ती को लगाया है। अब इसे हम साइड में भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे, जिससे कि ये खुले ना, और इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा बेसन लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने चारों तरफ से इसे फोल्ड करके बेसन को लगा दिया है। अब एक तरफ से इसे टाइटली फोल्ड करते जाएंगे। हमें इसे एकदम कस के टाइट फोल्ड करना है। अगर आप इसे लूज फोल्ड करेंगे तो ये खुल जाएगा जब आप इसे फ्राई करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक धागा लिया है, इससे हम इसे इस तरह से लपेटते हुए बांध देंगे, जिससे कि ये खुले ना। तो इसी तरह से हम सारा बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने सारे रोल बना लिए हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। यहाँ पे मैं इडली के कुकर में इसे स्टीम कर रही हूँ। आप इसे कढ़ाई में भी स्टीम कर सकते हैं। तो पानी देखिए मैंने इतना रखा है। जो इडली का छोटा वाला प्लेट है उसे हम लगाएंगे, और उसके ऊपर ब्रश की मदद से तेल लगा लेंगे, जिससे कि ये चिपके ना। अगर आप कढ़ाई में स्टीम कर रहे हैं तो इस तरह के जाली वाले थाली लें और उस पर तेल लगाकर स्टीम कर सकते हैं। अब इसमें हम अरबी के रोल को रख देंगे और इसे बंद करके हम हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। आप जितना मोटा बनाएंगे उतना ही टाइम लगेगा इसे स्टीम करने में। तो 15 मिनट के लिए मैं इसे गैस पे रख देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे गैस पे रख दिया है। तो 15 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, हमारा अरबी का रोल अच्छे से स्टीम हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप अभी धागा इसमें से निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। तो 5 मिनट बाद ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है, तब हम इसके धागे को निकाल देंगे। ये धागा इजीली निकल जाता है।
ये देखिए मैंने धागे को निकाल लिया है, आप इस धागे को अच्छे से धुलकर रख दीजिए। जब दोबारा अगर आपको बनाना हो तो इसी धागे का यूज करें। अब एक रोल को एक थाली में रखेंगे और इसे नाइफ से कट करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आधे आधे इंच पे इसे कट लगाना है। ये देखिए कितना अच्छा लेयर आया है और बेसन अच्छे से कोट हुआ है। इसी तरह से हम सारा कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारा कट कर लिया है। आप इस तरह से इसे 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको पकौड़े या सब्जी खाने का मन करे तो इसे निकाल के फ्राई कर लीजिए और सब्जी बना लीजिए। तो चलिए पहले इसे हम फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए मैंने गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल जब तक हमारा गर्म होता है तब तक हम पकौड़े को तलने के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें मैंने 1 कप बेसन लिया है और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और मिर्ची को मैंने पीसकर पेस्ट बना लिया है, उसे भी इसमें डाल देंगे। साथ ही 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसमें हम पानी डालकर एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। हमें इसका घोल एकदम पतला ही तैयार करना है। तो ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है और इसकी थिकनेस देखिए, बस हमें इतना ही पतला चाहिए। तो चलिए तेल को चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए फ्राई करते हैं। आप जब पकौड़े को इसमें डाल रहे हो उस टाइम गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा और तुरंत इसे टच नहीं करना है। 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारे पकौड़े ऊपर आने लगे हैं। तब इस टाइम पे इसे हम हल्के हाथों से पलट देंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी देखिए गोल्डन सा आ गया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। अब चलिए इसके मसाला बनाने की प्रोसेसिंग पे। यहाँ पे मैंने 10 से 12 हरी मिर्च लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और 2 गांठ लहसुन की ली है। तो ये देखिए मैंने इसे पहले ही पीस कर तैयार कर लिया है, इसे साइड में हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को रफली चॉप करके लिया है, इसे हम प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी प्यूरी भी तैयार है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। चलिए मसाला भूनना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखा है। उसमें हमने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी कि सरसों का तेल। अरबी की सब्जी सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा लगता है। तेल के गर्म होने के बाद 1 चम्मच खड़ा जीरा, 1 तेज पत्ता और 1 हरी मिर्च को कट करके इस तरह से डाल देंगे और साथ ही प्याज को भी डाल देंगे और इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तब इस टाइम पे हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। जो हमने लहसुन मिर्च और सरसों जीरा का पेस्ट बनाया था उसे हम इसमें डाल देंगे। साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब इन सबको अच्छे से भूनेंगे। इस टाइम पे गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि तेल मसाला अच्छे से छोड़ ना दे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है और साइड में तेल भी छोड़ दिया है। तब इस टाइम पे हम टमाटो प्यूरी को डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ध्यान में रख के डालेंगे, क्योंकि हमने पकौड़े में नमक डाला है। अब इन सबको 3 से 4 मिनट के लिए और भुनेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तब इस टाइम पे पानी को ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 गिलास पानी डाला है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मुझे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, क्योंकि अरबी पानी को सोखता है, इसलिए हमें ग्रेवी को पतला रखना है। तो मैं इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर देती हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पे 4 गिलास पानी डाला है। आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम गरम मसाला को डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक के हम 1 बॉइल्ड आने तक पकाएंगे।
ये देखिए अच्छे से बॉइल्ड आने लगा है, तो इस टाइम पे हम थोड़ा से कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इन सबको एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी की थिकनेस हमें बस इतना ही रखना है। तब इसमें हम पकौड़ों को ऐड कर देंगे। पकौड़ों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इसे पकाना नहीं है। अगर आप इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये टूट जाएगा। चलिए इसे बाउल में निकाल लेते हैं। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर उसे ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।